धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों पूरे पंथ में प्रायः यह साखी कही जाती है और पंथ के सभी संत भक्तों को यह साखी याद है स्पष्ट रूप से बंदों सन्मुख पारखी शीश भेंट धरी हाथ बचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ यह साखी तो हम कहते हैं परंतु क्या इस साखी का भाव समझते हैं और साखी को जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं पहली पंक्ति को ले ले बंदों सन्मुख पारखी में प्रत्यक्ष जो पारखी संत भक्त गुरुजन हैं, उनकी वंदना करता हूं ठीक आगे क्या कहा गया शीश भेंट धरी हाथ अपने सिर को हाथ में भेंट रख करके वंदना कर रहा हूं जब सिर को हाथ में रखोगे तो काटना पड़ेगा बिना काटे तो सिर को हाथ में रखोगे नहीं और जब सिर को काट दिए तो बचा क्या फिर जीवन में सिर देने का मतलब है संपूर्ण रूप से अपने आप का निछावर कर देना समर्पण कर देना ये जो कल्याण का पथ है ये जो धर्म या भक्ति का पथ है संपूर्ण रूप से समर्पण का पथ है किंतु क्या सचमुच हम समर्पित हो पाते हैं क्या हमारा अहंकार गल पाता है धन का अहंकार जाति का अहंकार पद का अहंकार पढ़ाई लिखाई का अहंकार कुछ होने का अहंकार इस अहंकार का हम त्याग कर पाते हैं रोज दोहराते हैं बंदों सन्मुख पारखी शीध भेड़ धरी हाथ शीस को कहाँ भेंट रख रहे हैं अहंकार का त्याग कहाँ है शीत का भेंट मतलब सारे अहंकार और स्वार्थ का त्याग न अहंकार छूट पाता है न स्वार्थ छूट पाता है छोड़ क्या ना हम अहंकार छोड़ पाते हैं और न ही स्वार्थ को छोड़ पाते हैं वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ क्या सचमुच में सच्चाई है ईमानदारी में और प्रेम है हृदय में तो अंतकरण में तो झूठ का बोल वाला है और जबान में कहते हैं सत्य के साथ बंधन करता हूं जबान की सच्चाई काम न आएगी काम आएगी हृदय की सच्चाई और हृदय में सच्चाई है ही नहीं हृदय में तो लोभ है मोह है क्रोध है काम है राग है द्वेष है न सच्चाई है और न प्रेम है केवल दोहराते जा रहे हैं बंदो सन्मुख की चीज भेंट धरू हाथ बचों बंदगी सत्य प्रेम के साथ जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि ये साखी हम सिर्फ जबान से बोलते हैं अंतकरण से नहीं बोल पाते हैं अंतकरण से बोलते तो आज हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में नहीं रहते जीवन का काया पलट हो गया होता मैंने कहा कि सिर भेड़ धरने का अर्थ है संपूर्ण रूप से समर्पण अपने पास कुछ भी बचा करके न रखना तो यहां कुछ भी बचा कर न रखने मतलब बाहर की चीजों के लिए नहीं है अंदर में जितने भी विकार हैं जो कुछ भी हमने अमान्यता का घेरा बना रखा है कल्पनाओं का घेरा बना रखा है इस सब का समर्पण कर देना सिर भेद धरने का अर्थ है सब कुछ का समर्पण अब बिना समर्पण किए कोई भी मनुष्य धर्म सत्य और कल्याण के मार्ग पर चल नहीं सकता है साहब ने साखी में और कहा है चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान एक म्यान में दो खडक देखा सुना ना कान प्रेम का रथ भी चखना चाहता है और मन में मान रखता है कि मैं इतना बड़ा आदमी सत्संग में जाऊंगा तो कहीं पीछे बैठना ना पड़ जाए और सत्संग में जाते हैं देखिए कोई कुर्सी खाली नहीं है तो बाहर से लौट जाएंगे क्योंकि जमीन पर बैठेंगे छोटे आदमी बैठ जाएंगे हम बड़े आदमी हैं ना जमीन पर कैसे बैठे हम इतने बड़े आदमी जमीन पर कैसे बैठे और चाहते हैं प्रेम का रस मिले भक्ति का रस मिले धर्म का रस मिले जमीन पर बैठने को तैयार नहीं कुर्सी चाहिए प्रेम का रस कहां से मिलेगा ये कुर्सी का मुँह छोड़ना पड़ेगा मतलब हम बड़े हैं और हमें वो मान सम्मान चाहिए ये भाव का त्याग करना आवश्यक है प्रेम का रस रखने के लिए चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान एक म्यान में दो खडक देखा सुनाना कान साहब कहते हैं कि एक म्यान में एक साथ दो तलवार को रखते हैं उन्हें हमने कान से सुना ना आंखों से देखा एक म्यान में एक समय में एक ही तलवार रहेगी दो तलवार तो नहीं रहेगी उसी मन में मान उसी मन में प्रेम मन में या तो मार रहेगा अहंकार या प्रेम रहेगा अहंकार और प्रेम दोनों साथ साथ नहीं चल सकते प्रेम चाहिए तो सिर काट करके रखना पड़ेगा अहंकार का त्याग करना पड़ेगा साहब ने साखी में और भी कहा है यह तो घर है प्रेम का खाला का घर अनाए शीश उतारे भूई धरे तब तो बैठो घर माये ये जो कल्याण का पथ है धर्म या सत्य का पथ है प्रेम का पथ है इसमें प्रवेश तभी हो सकता है जब सिर काट कर जमीन पर रख दोगे तब पूरी तरह से विनम्रता पूरी तरह से समर्पण समर्पण में मतलब अपना कुछ न मानना अपने को कुछ ना मानना हम इतने दिन के साधु हैं हम बड़े प्रवक्ता हैं हम तो महंत हैं हम तो गुरु बन गए अब हमें समर्पण की क्या जरूरत प्रेम करस मिलेगा कैसे अंदर में शांति कहां से आएगी अंदर में संतुष्टि कहां से आएगी जीवन भर धर्म और भक्ति के मार्ग पर एक रस चढ़ना सहज नहीं है बहुत कुछ का त्याग करना होता है देखा देखी भक्ति देखा देखी धर्म देखा देखी सत्य काम नहीं आने वाला है कब छूट जाएगा कहाँ नहीं जा सकता है भक्ति भाव भादो नदी सबे चली आए, सरता सोई सराही ये जेठ मास सहराए नदी वह प्रशंसनीय है जिसमें जेठ महीने में भी भरपूर पानी बहता हो सावन भादों में तो हर नदी में पानी बहता है बाढ़ आ जाती है सावन भादों में नदी में पानी बह रहा हो तो उस नदी की क्या विशेषता विशेषता तो उस नदी की है जिसमें जेठ महीने में भी भरपूर पानी रहता हो ऐसे ही महात्मा लोग आ गए बड़े भक्त बन गए बड़े धर्मात्मा बन गए थोड़ा सा कुछ हुआ तो और सब समय आया तो झूठ भी बोल लिया समय आया संपन्नता है आपके पास धन है दौलत है इसमें सेवा करना तो सहज है गरीबी स्थिति में आ जाए उसमें भी भक्ति भाव को निभाना उसमें भी धर्म को निभाना उस बड़े से बड़ा घाटा हो रहा हो तो भी सत्य के पद पर, पर चलना ये कठिन है अनुकूलता, अनुकूलता में तो सब अच्छे हैं सब कुछ अनुकूल हो रहा है सब बड़े भगत हैं सब बड़े धार्मिक और सब बड़े सत्यवादी प्रतिकूलता में भक्ति को निभाना कठिनाई में भक्ति को निभाना कठिनाई आने पर भी सत्य के मार्ग पर चलना यह कठिन होता है और विशेषता कठिनाई कैसे भी कठिनाई आ जाए धर्म भक्त और सत्य के प्राप्त को न छोड़ना तब है और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इले साहब कहते हैं कि खाला का घर नहीं है खाला मतलब मौसी का घर नहीं है जाओगे तो बना बना, बना, बना हलवा पूरी खाने को मिल जाएगा ये प्रेम का घर है ये समर्पण का घर है यहाँ तो सिर काटकर उतारना पड़ेगा बोझा लेकर यहां पर चला नहीं जा सकता है निर्भार होकर चलना पड़ेगा साहब ने कहा है कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या साहब कहते हैं, मैं तो इश्क में मत वाला हो गया हूं प्रेम में मत वाला हो गया हूं कबीर साहब अन्य संत जन जिस इश्क में मतवाला है वह इश्क वह प्रेम और समर्पण राग रंग का समर्पण नहीं है दुनियादारी संसारी भावना के लिए समर्पण नहीं है किसी लड़के लड़की पर भी समर्पण नहीं है ये सत्य के लिए समर्पण है धर्म के लिए समर्पण है धर्म और सत्य अलग अलग नहीं है जो धर्म है वो सत्य है जो सत्य है वही धर्म है इसके लिए जो समर्पण होगा तो करना क्या होगा दुई को दूर कर दिल से ये जो दी है द्वेत भाव ये दुई है माया माया ही तो आदमी को भूलने का कारण बनती है और माया का मतलब अमुक अमुक माया नहीं है मन का मुंह मन का जो राग है जो कुछ भी हमें भुला दे जो जो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे रुपये पैसे धन दौलत हो चाहे मन की मान्यता हो अहंकार कामना आदि जो जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित कर दे वही माया है और जब तक इसका त्याग नहीं होगा जिस इश्क के बाद शदुर कबीर कहते हैं उसका अनुभव नहीं हो सकता है उसके बारे में हम जान भी नहीं सकते किताबी ज्ञान हम हाँकते रह जाएं बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ डालें वेद का शास्त्र का उपनिषद का गीता भागवत का सबका प्रमाण दे दें किंत अंतकरण मुलायम नहीं हुआ अंतकरण में तो स्वार्थ अहंकार की कठोरता है और स्वार्थ अहंकार का अंतकरण एकदम कठोर हो गया है तब ये बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ना कोई काम नहीं आया सारी पुस्तकों पढ़ने का अर्थ होता है प्रेम का अर्थ हो जाता है अंतकरण के सारी कड़ता का कठोरता का क्रूरता का त्याग हो जाना साहब ने कहा है पोथी पढ़ पढ़ नहीं लिख लिख के पाथर भैया पढ़ पढ़ भैया जो ईट ढाई आका प्रेम का लगे ना अंतर छीट लिख लिख करके तो ईट बन गए पोथी पढ़ पढ़ करके पत्थर बन गए प्रेम की छीट नहीं लगी अभी तक अब प्रेम जब आ जाएगा तब स्वार्थ कहाँ रहेगा अहंकार कहाँ रहेगा छल कपट कहाँ रहेगा यहाँ तो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए छल कपट है मन में थोड़ा सा कुछ मिल गया बस साहब कहते हैं चलो डुलावत बाही हो आदमी सीना तान का चलता है देखता नहीं है एक से एक बड़े बड़े चले गए सुन्न सुन्न द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी बाली जैसे वीर चले गए रावण जैसे अभिमानी हमारे पास क्या है आदमी स्थिति तो वैसी ही है कहा जाता है चूहे को एक चूहा था उस चूहे को कहीं से हल्दी के गांठ मिल गई तो चूहा समझने लग गया मैं भी किसी पंसारी से कम थोड़े हूं बस ऐसी स्थिति हमारी है थोड़ा सा पा लिए बस पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं किसका अहंकार है भाई कबीर का भक्त कहते हैं भगवान का भक्त कहते हैं अपने को पता नहीं किसका किसका भक्त कहते हैं और मन में क्या है माया साहब कहते हैं जो इश्क में मतवाला होना चाहते हो धर्म के प्रेम में सत्य के प्रेम में आत्मा प्रेम में वाला होना चाहते हो तो दुई को दूर कर दिल से ये जो दुई है मैं और मेरा की भावना अहंता ममता मैं तू की भावना यही तो दुई है यही तो माया है इसका त्याग करना पड़ेगा एक और भक्ति है एक और माया है माया में बड़ा आकर्षण है किंतु परिणाम बड़ा भयंकर है भक्ति में आकर्षण नहीं है किंतु भक्ति का परिणाम परम शांति परम आनंद कल्याण की प्राप्ति है जो माया का मार्ग है संसार का जो मार्ग है देखने में बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में इसी को उपनिषद में प्रेय मार्ग कहा गया है दो मार्ग हैं प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग जो शुरुआत में बड़ा मोहक लगे बड़ा आनंददायी लगे किंतु परिणाम चारों तरफ से दुख के घेरे में घिर जाना कांटों में उलझ जाना श्रेय मार्ग आकर्षण नहीं है श्रेय मार्ग में रूखा रूखा है किंतु इस मार्ग में चलने पर अंतिम परिणाम चारों तरफ से शांति शांति आनंद कोई कष्ट ही नहीं है कोई जाल नहीं है कोई बंधन नहीं है सर्वत स्वतंत्रता है लेकिन आदमी शुरुआत के आकर्षण में भूल जाता है एक कहानी कही जाती है कुछ लोग मर कर यमराज के द्वार में पहुंचे यमराज ने स्वागत किया उन लोगों के कर्मों के हिसाब किताब देखा तो आधा स्वर्ग आधा नरक कुछ धर्म का भी काम था कुछ अधर्म का भी काम था धर्म के काम से उन्हें स्वर्ग में जाना था अधर्म के काम से उन्हें नरक में जाना था तो यमराज ने उन्हें उनसे पूछा बताओ तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो तुम्हारी मर्जी पर छोड़ता हूं चाहे स्वर्ग में जाना चाहो चाहे नरक में जाना चाहो लेकिन साइन करना पड़ेगा और जहां साइन कर दे फिर पीछे नहीं होना पड़ेगा तो उन्होंने कहा पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं किसी का कैसे क्या, क्या है क्या ठीक है पहले स्वर्ग में गए स्वर्ग में कहीं सत्संग हो रहा था कहीं भोजन बट रहा था कहीं कुछ और हो रहा था कहीं कीर्तन हो रहा था कहीं भक्ति हो रही थी देखे लोग बड़े प्रेम से आ जा रहे थे शीतल शीतल हवा चल रही थी कहा ये तो स्वर्ग तो बहुत बढ़िया है यही रहे तो कहा ये तो है लेकिन नरक को भी तो देख लें कैसा कि ठीक है गए नरक के स्वागत कक्ष में पहुंचे एकदम भव्य स्वागत कक्ष सुंदर सुंदर युवतियाँ सुंदर सुंदर युवक बहुत मीठी मीठी बात कर रहे थे एकदम स्वागत साहब आए महाराज आइए आइए पधारिए ये खाइए वो खाइए देखे तो वहां पर बढ़िया शराब की बोतलें भी खुल रही थी सब कुछ नाच गान हो रहा था कहा यार ये तो नरक तो और बहुत बढ़िया स्वर्ग से वहाँ तो खाली शरबत पिलाया जा रहा था यहाँ तो दुनिया में जी पीने जमाना कर रहे थे उत्तम किस्म की शराब यहाँ पिलाई जा रही है वहाँ तो भोजन में क्या था रोटी सब्जी यहाँ तो अंडा मांस मछली और इतना बढ़िया है कहा है यह जाना चाहिए और देखो वहाँ तो केवल हाथ से पंखा चलते ठंडी हवा से, से यहाँ तो यहाँ तो एयर कंडीशन लगा हुआ है ये नरक तो स्वरक से बहुत बढ़िया है आए लौट कर यमराज के पास कि हम लोग नरक जाना चाहते हैं कि साइन करो पहले साइन कर दिए नरक में गए सागर कक्ष में वहाँ गया फिर एक जहाज आए फिर आप बैठ जाइए बैठ करके नरक यात्रा की चारों ओर से दुर्गंध भयंकर जब आगे बढ़ गए तब को चिल्ला रहा है किसी के हाथ पर काट रहा है किसी को चिल्ला रहा है और कहा अरे ये क्या हो गया इतने दुर्गंध में कहा अरे वो तो हमारा ड्राइंग रूम था दिखाने का स्वागत कक्ष ये है असली मजा तो भैया माया का जो ड्राइंग रूम है ना बड़ा अच्छा है माया का ड्राइंग रूम लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे ना फिर चारों ओर से जा। कष्ट कष्ट हाय हाय अब लेकिन पीछे लौटना बड़ा मुश्किल है लोग कहते हैं महाराज काकरे फंस गए तो साहब कहते हैं कबीरा इश्क का, का माता दुई को दूर कर दिल से तुम आत्म प्रेम में वाला होना चाहते मीरा मतवाला थी शबरी मतवाला थी और सूरदास कबीर जितने संत नानक सब सं मतवाले थे किस प्रेम में मतवाले थे आत्म प्रेम में भगवत प्रेम में धर्म के प्रेम में मत वाले थे उन्होंने अपने दिल से दुई को दूर कर दिया था साहब आगे कहते हैं ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या ये रास्ता बहुत बारीक रास्ता है बहुत बारीक एकदम पतला रास्ता है बोझा लेकर नहीं चल सकते इस रास्ते पर और कौन सा बोझा है वही अहंकार का बोझा स्वार्थ का बोझा अहंता ममता राग द्वेश का बोझा माया का बोझा इसको लेकर चलोगे तो धर्म के पथ पर सत्य के रास्ते पर नहीं चल पाओगे यहां तो एकदम निर्भार होना पड़ेगा निर्भार जो भी बोझ उतारने से डरा उसे डूबना पड़ा और जिन्होंने बोझे का मोह छोड़ दिया उपार हो गए हरवे हरवे तर गए बूढ़ा जिन सिर भार साहब कहते जो हल्के हल्के थे जिन्होंने सिर से सारा बोझ उतार दिया था संसारिकता का राग रंग का मोहमाया का अहंकार कामना का मैं कुछ हूं इस भाव का बोझ उतार दिया था बिल्कुल कुछ नहीं मैं और हूं कि बीच में जो भी आएगा वो माया है उसी का अहंकार होता है मैं हूं बस तब कोई नहीं है यदि हम कहें कि मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य हो, मनुष्य होने का अहंकार किसी को नहीं होता है दो दृष्टि है एक व्यवहारिक दृष्टि है और एक आत्मिक दृष्टि है परमार्थिक दृष्टि है बिहारी दृष्टि से देखें हम शारीरिक दृष्टि से हम देखें जहां तो जितने भी लोग बैठे हैं सब सबसे पहले मनुष्य हैं मनुष्य का बच्चा मनुष्य के रूप में पैदा होता है आगे चलकर वो क्या बनेगा कुछ पता नहीं है तो मैं मनुष्य हूं आज तक किसी ने इसका अहंकार नहीं किया गर्व से कहो हम हिंदू हैं गर्व से कहो हम मुसलमान हैं किसी ने कहा है गर्व से कहो कि हम इंसान हैं और सच्चाई क्या है हिंदू होने के पहले मुसलमान होने के पहले कबीर पंथी होने के पहले आर्य समाजी होने के पहले साधु होने के पहले गृहस्थ होने के पहले हम मनुष्य हैं ये हमारी वास्तविकता है किंतु जो हमारी वास्तविकता है हम भूल गए उसको क्या समझते हो मैं इतने साल साल का पचास साल का साधु हूं पचास साल तो हो गए लेकिन अभी भी नाम लिखा जहां नाम लिखा हो वहीं के वहीं है आगे नहीं बढ़ पाए हो हम मठ के प्रबंधक हैं तो सेवा करो अहंकार गांठने के लिए आपको मठ का प्रबंधक या मठ का गुरु नहीं बनाया गया है सेवा करने के लिए बनाया गया है और सेवा करना है तो मैं मैं गुरु हूं महंत हूँ इसको दिल से उतार दो तब तो सेवा होगी तो जो वास्तविकता है कि मैं मनुष्य हूं मनुष्य तो है ही कोई यहाँ आ जाए अपरिचित आदमी तो ये नहीं बता पाएगा यहाँ सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से कितने लोग किसान हैं कितने व्यापारी हैं कितने अध्यापक हैं कितने डॉक्टर हैं कितने वो वकील हैं कोई नहीं बता पाएगा लेकिन बता देगा इतने आदमी यहां हैं तो आदमी तो सच है ना आदमी यदि बन जाए आदमी हो जाए बस काम बन जाएगा आदमी होने का मतलब मैं और हूं के बीच में जो कुछ भी आया है जो कुछ हम मानते हैं सब कुछ का त्याग कर देना होगा तब वो स्थिति आएगी और दूसरी चीज देखें मैं आत्मा हूं या मैं जीव हूं यहां अहंकार की गुंजाइश ही नहीं है मैं मनुष्य हूं यहां अहंकार की गुंजाइश नहीं है मैं जीव हूं यहां अहंकार की गुंजाइश नहीं है जो वास्तविकता तो होती है उसमें अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है लेकिन जो झूठ होता है वहाँ अहंकार गुंजाइश होते हैं और अहंकार जहाँ आता है कि लोग मुझे बड़ा माने लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें मेरा अहंकार का मतलब क्या है लोग मुझे बड़ा माने मुझे आदर दे मेरा सम्मान करे मेरी प्रशंसा करे ये भाव आता है और नहीं करेगा सम्मान तब बड़ी चोट लगती है मन में आदमी यहां तक है भूला है कि अपना नुकसान करके भी चाहता है कि कोई मेरी प्रसन्नता करे गुरुदेव जी कहानी कहा करते थे याद आ गई एक महतिन थी महतो हो बड़े आदमी कहा जाता है या गांव के मुखिया को भी कहा जाता है महतो तो महतो पत्नी मह, महती एक महतिन थी एक तो महतिन और फिर धन धन रुपया पैसा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सबका उसे बड़ा अहंकार था और हर बात में वो अपनी प्रशंसा चाहती थी अपने बड़ा मान दूसरे को छोटा माना करती थी उसके अहंकार से हर कोई आजीज आ गया था घर वाले पड़ोसी गांव वाले सब आजीज थे लेकिन चाहते मेरी प्रशंसा हो तो एक बार महतिन ने सोने की पहुँची बनाई महिलाएं जहाँ पहुँचती है ना वहाँ पर पहुँची यहाँ क्षति वाले सब जानते हैं सोने की पहुँची पहुँची बनाई अब जब पहुँची बना ली तो गांव में घूमती थी तो साड़ी उठाकर ताकि लोग देख पाए सहने की पहुँची को उसके अहंकार से सब के सब परेशान थे किसी ने नहीं पूछा अरे ये महतिन तूने पहुँची कब बनाई तो ये तुम्हारी सोने पहुँची तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़े किसी ने नहीं पूछा कई दिन तक गाँव में घूमती रही किसी ने पूछा ही नहीं किसी ने एक जवान में भी ने पूछा कि कब बनवाई हो कैसे बनवाई हो किसी ने पूछा तो एक दिन महतीन ने बड़ा गुस्सा आया कि गांव वाले बड़े अरे आदमी तो आदमी महिलाएं भी नहीं पूछती है मुझे बड़ा गुस्सा आया तो एक दिन शाम का समय था महतीन के घर के पास एक महतीन की फूस की झोपड़ी थी जिसमें कुछ सामान वार रखा करते थे गर्मी के दिन महतिन ने उस झोपड़ी में आग लगा दी आग लगी तो गांव वाले सब दौड़े बुझाने के लिए अब महतीन अपनी साड़ी उठा करके बाहिला हिला कर रहे थे यहां बुझाओ वहां बुझाओ यहां पानी डालो वहां पानी डालो तो जब आग जल रही थी और सोने की पहुंची सोने की पहुंची में चमक आ गई किसी ने पूछा अरे महतिन ये पहुंचे कब मनाए कहा अरे भलमान पहले पूछ लेते तो आ कहे लगाती इसमें तो नुकसान सहन करके भी आदमी चाहता है मेरा सम्मान हो मेरी प्रशंसा हो लोग मुझे कुछ माने यही जब तक ये बोझा नहीं उतरेगा साहब कहते हैं ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या ये बड़ा नाजुक रास्ता है कब पैर फिसल जाए कब भटकाव हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता बहुत संभल करके चलना पड़ता है इस रास्ते पर एक एक कदम फूक फूक करके रखना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप चल नहीं सकते सावधानी बताई जा रही है कि बोझा लगकर चलोगे तो डूब जाओगे भटक जाओ गिर पड़ोगे ठोकर लग जाएगी और बोझा उतार कर चलोगे मैं कुछ नहीं हूं बस एक साधारण मनुष्य हूं अपने कल्याण के लिए भक्ति धर्म के मार्ग में लगा हुआ हूं जो कुछ मिला है प्रारब्ध है पूर्वजों की देन है मेरा क्या है यही मिला है यही छोड़ देना है ये भाव मन में आ जाए ना तो अहंकार नहीं होगा इलेब कहते हैं हरवे हरवे तर गए बूढ़ा जिन तिरभार जिनके सिर में बोझा रहा अहंकार स्वार्थ कामना मान्यता माया का उस सब डूब गए और जिन्होंने सारा अहंकार के छोड़ दिया सारा मन के छल कपड़ दुराव छिपाव स्वार्थ का त्याग कर दिया वो बेड़ा पार उसका बेड़ा पार हो गया तो साखी हम रोज कहते हैं अनेक बार बंदों सन्मुख पार की सिर भेंट धरी हाथ सिर को कितने बार उतारे हैं अपने तक अहंकार कितना गला है हमारा विनम्रता कितनी आई है मन में जो मन में जो माया है कपट है कितना त्याग हुआ है बेमानी घटकर के ईमानदारी कितनी आई झूठ प्यारा लगता है या सच प्यारा लगता है विचार नहीं जिस दिन जिस दिन झूठ भयंकर कड़वा लगे और सच एकदम मीठा लगे समझना सिर काटकर जमीन पर रख दिया गया है जिस दिन माया प्यारी लगे जब तक और जब समझ लेना भी सिर ज्यो त्यों बाकी है जब माया कड़वी लगे और भक्ति प्यारी लगे तो समझना कि सिर काट करके कर रख दिया गया है और कल्याण तब होगा और मन में साहब कहते हैं सत्य प्रेम के साथ मन में मनुष्य मात्र के लिए मन में प्रेम हो ये छोटी जाति ये बड़ी जाति ये गरीब हम धनवान ये अनपढ़ हम विद्वान ये गृहस्थ हम साधु गया सब काम से हम साधु हुए हैं तो किसी किसी कोई आदमी डंडा लेकर हमारे पीछे पड़ा नहीं तो तुम्हें साधु होना पड़ा अपनी गर्व से साधु हुए हैं ना तो साधु हो गए तो किसका अहंकार करें हम साधु गृहस्थों से बड़े हैं गृहस्थ हमें बड़ा मानते हैं उनकी भावना है लेकिन हम अपने मानते हैं हम साधु हैं गृहस्थों से बड़े हैं तो डूबना पड़ेगा हमारी गरज थी साधु होने के लिए कोई हमें जबरदस्ती साधु थोड़े बनाया है हमें लगा कि गुरुजनों के शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा इसलिए साधु हो गए साधुता का अहंकार भयंकर होता है भयंकर जाति का अहंकार छूट जाता है धन का अहंकार छूट जाता पद का अहंकार छूट जाता है ये साधुता का अहंकार अब ये त्याग का अहंकार मैंने मैंने ये ये त्याग दिया बड़ा मुश्किल है त्याग का अर्थ ही, ही है सब कुछ को छोड़ देना बैराग का अर्थ है कहीं राग ना होना कहीं मोह ना होना त्याग का अर्थ है कहीं कुछ अपना नहीं मानना लेकिन त्याग का अहंकार आ गया बैराग का अहंकार आ गया प्रेम से फिर तब धर्म भक्ति मार्ग से तो हो गए एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा एक बड़े घर का कहलाने वाला युवक धन संपत्ति जाति पर, और कुल प्रतिष्ठा सब सब परिवार में उस घर का युवक साधु हो गया एक मठ में रहने लगा साधु तो हो गया था लेकिन घर का जो अहंकार था हम बड़े घर के बेटे हैं हमारे घर में ये था हमारे घर में वो था हमारे घर में ऐसा था हमारे घर में वैसा था ये भाव छोड़ नहीं पाया अब बीच बीच में साधुओं से कहता अरे तुम लोग क्या है छोटे छोटे घर के, के लड़के हो हम बड़े घर के लड़के हमारे घर में ये था आश्रम रहने वाले साधुओं को वो छोटा समझता था कि ये लोग छोटे त्यागी हैं मैं बड़ा त्यागी हूँ तो घर तो छोड़ा लेकिन घर का अहंकार नहीं छोड़ा घर का लोह नहीं छोड़ा एक बार कुछ साधु ऐसे बैठे बात कर रहे थे बात त्याग की आ गई तो वो तो थे ही तब कहा भाई हम नहीं छोड़ा छोड़ा तो उन्होंने कहा अरे तुम लोग क्या छोड़ोगे जानते हो हमारे घर में क्या था हमारे घर में ये था हमारे घर में वो था हमारे घर में वो था अपने बड़ा त्यागी बता रहा था अंत में कहा लेकिन मैंने सब पर लात तो मार दी तो किसी ने कहा भैया लात तो मार दी लेकिन लात तो अभी चिपक गई है वहीं के वहीं छूटी नहीं है लात तो मार दी है लात छूट गई है कि लात चिपकी हुई है मैंने ये त्याग मोने वो त्यागा तो समझ लेना लात चिपक गई है छूट नहीं रही अभी और जब तक लात छूटेगी नहीं कल्याण की आशा करना बेकार है जलते रहोगे भीतर के भीतर शीत भेंट धरे हाथ है की बात है ना यहां पर शीत भेंट धरने मतलब संपूर्ण रूप से त्याग करना होगा इसका मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अपना घर दा छोड़ दें नहीं सिर्फ मैं मतलब अहंकार और स्वार्थ का त्याग स्वार्थ हाँ होगा तो छल कपट हो जाएगा फिर बिहार बिगड़ जाएगा तो अहंकार और स्वार्थ का त्याग मैं कुछ हूं इस भाव का त्याग ही शीत भेड़ धरना है और तब समर्पण होगा और तब वास्तविक रूप से बंदगी होगी तब वास्तविक रूप से पूजा होगी और फिर इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा थोड़ा सा निधन मैंने किया समय हो गया है अन्य कार्यक्रम है अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ